हेलो, नमस्कार। मैं हाजिर हुआ हूँ फिर एक बार आपके पास। यूपी पुलिस 2018 एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, क्या इसमें लेके जाना है, कैसे क्या करना है, सारा कुछ जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं अभी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ, और इसमें जैसा कि सभी लोगों को ज्ञात था कि 15 तारीख के बाद से ये आपका यूपी पुलिस 2018 के लिए एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। तो जैसा कि यूपी पुलिस 2015 के लिए एडमिट कार्ड कल दिनांक 14 तारीख से ही चालू हो गया था शाम को। तो आप देख सकते हैं कि मैं अपने इस यूपी पीआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे आने के बाद हमें यहाँ पे देख रहे होंगे रेड कलर का, आपको रेड कलर का आरक्षी पुलिस एवं आरक्षी पीसी के पीएससी के पदों पर सीधी भर्ती 2018 परीक्षा कार्यक्रम एवं संबंधित जानकारियाँ। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। और जैसे ही हम इस डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करते हैं, हमें एक नई इस पर लॉग इन पैनल पर लेके जाता है, जिसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉग इन करना होता है। तो चलिए इसमें हम अपना डेट ऑफ बर्थ और एडमिट रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके लॉग इन कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, और यहाँ पर अपना हमने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर हमने डाल दिया। ऊपर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस बॉक्स में रजिस्ट्रेशन नंबर डालना था, तो यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया। नीचे डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो हम नीचे डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं। और डेट ऑफ बर्थ डाल के जैसे ही डेट ऑफ बर्थ हमारा डाल लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं लॉग इन पे, तो हमारे सामने ये पेज खुल के आ जाता है। लॉग इन जैसे ही करते हैं, एक एडमिट कार्ड खुल के आता है, जिसमें लिखा होता है अपना कैंडिडेट नेम, सब कुछ लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, सब कुछ इस पर लिखा होता है दोस्तों। और आपका यहाँ देख सकते हैं कि आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि इनका एग्ज़ाम कब है। एग्ज़ाम सिटी आप देख सकते हैं, एग्ज़ाम तिथि 15 जून 2018, प्रथम पाली में है, और 120 मिनट का परीक्षा है। बाकी सब कुछ मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था दोस्तों। तो इस वीडियो में और भी कुछ रोमांचक तथ्य बताना चाहूँगा। इसमें आपको एक सेम टू सेम कलर, जैसे कि आपने वहाँ पे चस्पा किया था, इसमें भी आपको एक फ़ोटो चस्पा करना होगा, सेम कलर फ़ोटो जो आपने फॉर्म डालते समय जो अपलोड किया था, सेम फ़ोटो। ठीक है दोस्तों, यदि आपके पास फ़ोटो वाला ना हो तो उसके लिए कैसे क्या करना है, मैं भी आपको भी बता दूंगा दोस्तों। तो आप उसके लिए ये जो फ़ोटो है ना, इसको आप साइबर पर ले जाइएगा, साइबर वाले बोलिए भैया इसको आप कट करके फ़ोटो बना दो, तो लैब वाला आपको, साइबर वाला आपको बना करके जितनी भी कापियाँ चाहिए आपको तो दे देगा। कम से कम आपको 5-10 कापियाँ बना लेनी चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं, ऐसे आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या लेके जाना है। तो इसमें लेके जाने के लिए आप उसको सबको बताऊंगा दोस्तों, के लिए आपको एक आईडी कार्ड ले जानी होगी। और हाँ दोस्तों, इसमें ई आधार कार्ड मान्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने ई आधार कार्ड न लाएँ, आप अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लाएँ, पैन कार्ड ला सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ला सकते हैं, वोटर कार्ड ला सकते हैं, या फास्ट फोटो युक्त बैंक पासबुक ला सकते हैं, या मान्यता प्राप्त कॉलेज या स्कूल अथवा विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए हुआ पहचान पत्र ला सकते हैं। और आधार कार्ड को जैसे मैंने बताया कि आपको मूल प्रति लाना है, ई आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर आगे चलते हैं। इसमें आपको पेन, एक केवल आपको ब्लू या ब्लैक डॉट पेन लेके जाना होता है। आप जेल पेन का या किसी इंक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इरेजर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, इसमें एक और बात है कि इसे निगेटिव मार्किंग 0.5 का था और 300 नंबरों का था। तो इसमें आप यदि मान लीजिए कोई क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, तो उसको इरेजर करने का या उसको ब्लेड से स्क्रैच करने का कोशिश ना करें, तथा आपके उस प्रश्न या पूरी कापी भी न जाता जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आप कोई भी संदेहास्पद सामान न ले जाएं, इलेक्ट्रॉनिक सामान न ले जाएं दोस्तों, ऐसा खास तौर पर आपके लिए अनुदेश दिया गया है। जैसा कि आपको यह सब कुछ पता होगा, यदि आप अपना एडमिट कार्ड ले रहे हैं, तो बाकी सब इसमें जो भी है पूरा, इसमें अभ्यर्थी को परीक्षा में निम्नलिखित सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं है। जो भी इसमें ब्यौरा दिया गया है, सभी ब्यौराओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें दोस्तों, और अपने एग्ज़ाम को क्लियर करें एंड गॉट योर सक्सेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। वीडियो के बारे में आपको कुछ भी कहना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।